राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी के बारे में क्या कहना भैया, छोड़िए उसके बारे में ना कुछ कहे तो भी अच्छा है। 60 साल चले गए, भगत सिंह का घर आप देख लीजिए कैसे परिस्थिति में पड़ा। नमस्कार, मानस मिश्रा न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम इस समय अयोध्या में हैं और अयोध्या में सीधे लोगों से जानना चाहेंगे, क्योंकि अयोध्या में इस समय राम ही राम हर तरफ है और पूरे देश में इसकी गूंज है। और अब जानना चाहेंगे यहां पर आखिरकार लोगों की क्या राय है कि आखिरकार राम मंदिर जब बन रहा है तो हम राजनीति से लेकर सारी बातें करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बताइए आखिरकार कैसा लग रहा है आपको राम मंदिर बन रहा है? राम मंदिर बन रहा है हमको दिवाली जैसा माहौल जैसे बन रहा है ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे प्रभु श्री राम हमारे 14 वर्ष का वनवास काट के वापस आ रहे हो ऐसा माहौल है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ आके, इतना बहुत जो देखा हमने कि वाह मोदी और योगी ने क्या कर दिया है, जो मंदिर बन रहा है बहुत बढ़िया। मोदी योगी की बात आप कर रहे हैं, लोग बहुत सारे सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है कि उनको न्योता गया और न्योता आ नहीं रहे हैं कई लोगों के पास। ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया है और CPIM में अखिलेश यादव के लिए बहुत सारे सस्पेंस है अभी लोग के, राहुल गांधी ने भी क्लियर नहीं किया है उन लोगों की तरफ से, तो क्या कहेंगे इन लोगों के लिए कि क्या ये क्या क्या इस पर क्या कमेंट आप? देखिए राजनीति में तो हम पढ़ते नहीं, लेकिन ये लोग पता नहीं इन लोगों के पास बुद्धि इनके नष्ट हो गई हो। भगवान राम सबके आराध्य देव है, ना कि ओनली मोदी योगी के। वो तो उनके पास ये अवसर था, उन्होंने बनाया। पिछली बार जितने सालों से ये मसला चल रहा है, अगर UPA सरकार थी कांग्रेस जो ये बना सकती थी तो उन्होंने ये नहीं किया। वो उल्टा सबूत मांग रहे थे कि कहाँ राम है या नहीं है। वो इतना वो उस पे वो मतलब क्या है कि क्या बोले उन लोगों के बारे में। मोदी को क्रेडिट भी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है कि भाई आपका हमारा जहाँ जन्म हुआ है हमारा कोई घर तो होगा ना, हम गुजरात से हमारा घर कहाँ है, तो उन लोगों के छान के दिया कि भाई नहीं ये यहाँ पे ये प्रॉपरली ये है। वो तो ये उल्टा का ये सबूत मांग रहे हैं कि कहाँ है राम, कौन है राम, कैसे है राम, ऐसा थोड़ी ना। और न्योता सबको मिला है ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, आए ना आए उनकी मर्जी है। सबके आराध्य देव श्री राम भगवान श्री राम है, तो हम ये मानते हैं कि सबको आना चाहिए। बाकी जिन लोगों का बुद्धि नष्ट हो गया है वो तो पहले से ही ऐसा। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी के बारे में क्या कहना भैया, छोड़िए उसके बारे में ना कुछ कहे तो भी अच्छा है कि उनका एक परिवारवाद चल रहा है, उसका मम्मी अध्यक्ष फिर उसके बाद वो उसका बेटी ना कोई अभी हाल ही में बने किसी और को दिया है कि भाई अब ना परिवारवाद नहीं चलेगा। इस वजह से योगी का ना कोई बेटा ना कोई भाई ना कोई ना ही अपने मोदी जी का ना कोई बेटा ना कोई भाई, ये सब परिवारवाद नहीं करते। जब इनके पास परिवार नहीं तो परिवार का दर्द क्या समझे? नहीं वो देखिए वो एक अलग है, ये पूरा भारत देश पूरा उनका परिवार है। जो बोल रहे जो वादे कर रहे हैं 370 हटाई राम मंदिर दे रहे हैं सभी कुछ दे रहे और काशी मथुरा अभी जो भी मतलब जो भी विवाद वाले चल रहे हैं वो पता ही है कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण थे भगवान महादेव थे वो सबके सामने है। अभी ये सब फैक्ट न्यूज क्या है कोई सब कोई अलग अलग सलत बोल रहे हैं, लेकिन हम उस मसले में नहीं पढ़ना चाहते। ए अभी हम भगवान राम के जो 22 जनवरी को शिलान्यास हो रहा है उसका माहौल बहुत बढ़िया है और हम दीपावली पर्व से भी ज्यादा इसको मना रहे हैं, बहुत खुश। जय श्री राम। अच्छा आप कैसे देखते हैं सब चीज को? सब बढ़िया चल रहा है, हम तो ऐसे देखते हैं कि हमारे प्रभु राम है ना, अब हमारे दिल में हमारी जो ये भारत की भूमि है वापस आ रहे हैं और हर एक मानव के अंदर राम बसे हुए। अब कोई मानव चला जाता है तो हम क्या बोलते हैं उसमें से राम चला गया, अब हम क्या कहेंगे हमारे राम आ गए। तो हर एक मानव के अंदर राम है, इसीलिए हम सबको इस उत्सव को बनाना चाहिए। और क्या अगर विपक्ष को न्योता दिया कि सबको आना चाहिए नहीं आना चाहिए? वो अपना अपना मसला है, कोई आए या ना आए, लेकिन मेरी सोच के प्रमाण मैं कहता हूँ कि मेरे में राम है, मेरा राम है तो हम आना चाहिए। अब मैं समझ रहा हूँ मेरे में ही राम नहीं है तो मैं नहीं आऊंगा, वो जैसी जिसकी सोच चलिए सब अच्छा लगा। और आप कुछ कहना चाहेंगे? वो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, भाजपा ने नहीं दिया है, भाजपा का नहीं है तो उसको आना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है
तो आना चाहिए ना उसको। वो दो दोनों साइड बोलते हैं, नहीं आने का बहाना करते रहते हैं, ऐसा ही कांग्रेस का मैनेजमेंट है। ये बातें सही कह रहे हैं कि अगर विपक्ष ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया है तो फिर उनको आना चाहिए, अगर न्योता दे रहे हैं, लेकिन आखिरकार क्यों मना कर रहे हैं? इसमें आपको बता दूं, आप सबको, डॉट इंडिया में बड़ा दुविधा है, क्योंकि डॉट इंडिया में वो सोच रहे हैं कि कोई सोच रहा मैं जाऊं, कोई सोच रहा मैं ना जाऊं। और मोदी ऐसी, मैंने कहा ना अभी कि मोदी ऐसी पिच तैयार करते हैं जिस पे बैटिंग का अवसर सबको देते हैं, और उस बैटिंग के अवसर को जो लोग आते हैं बैटिंग करने, पिच तो बड़ी अच्छी होती है। राम मंदिर बन रहा है, अगर इसमें राहुल गांधी आ जाए तो हो सकता है वोट बैंक इकट्ठा कर ले, लेकिन वो इस दुविधा में इतनी डाल देते हैं कि वो फंसा देते हैं। वो सही है, क्या है कि उन लोगों के पास ये सोच है, बुद्धि है, विचार नहीं है कि भाई चलो ये सब सजा धजा के दिया तो हम भी वहाँ जाए तो उस वजह से थोड़ा वोट बैंक भी उसका बढ़ेगा, ये सब सोच। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्या है कि कोई दूसरा पक्ष का वोट कम हो रहा है इस वजह से वो ये काम नहीं कर पाए, वो नहीं आ पाए। ये बड़ा कार्यक्रम है, मेरे सोच के विचार से ये भाग्य बिना नरपावत नहीं, इतना बड़ा कार्यक्रम का जो साक्षी होना है वो किसी अन्य लोगों जिसने क्या आना या ना चाहे वो तो राम जी की मर्जी है। ये बड़ा कार्यक्रम है, हमको अपने हिसाब से अपने को इतना शुभ मानना चाहिए कि भगवान ने इस अवसर के लिए हमको चुना है, हम साक्षी के लिए आए हैं, हम ये दर्शन के लिए आए, एक क्षण को लेने आए हैं, तो अपने आप को धन्य अनुभव होना चाहिए। आना ही चाहिए, ना आना चाहिए तो उसका वो दुर्भाग्य। विपक्ष का क्या है, वो सब लोग मोदी पे योगी पे जो कीचड़ उछाल रहे हैं कि 1947 में जब विभाजन हुआ देश का, तब ना हिंदू मुस्लिम था, तब ना भाजपा था, ये जो हिंदू मुस्लिम हो गया है करवा रहे हैं, ये जो इनके ऊपर लांछन लगा रहे हैं वो एकदम गलत है, ये कोई सही नहीं है। 1947 में जब विभाजन हुआ, ना तो भाजपा सरकार थी, ना मोदी थे, ना योगी थे, ये सब विपक्ष का किया हुआ धरा है कि जो इन लोगों के ऊपर छींटे उछाल रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। आप इतिहास में गए तो एक इतिहास का मैं सवाल आपको उनसे पूछना चाहूँगा, और एक जो जनरल सवाल है, इतिहास के स्टूडेंट ना हो तो भी आपको चलेगा। कांग्रेस की स्थापना 1885-86 में हुई थी, कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था, एक अंग्रेज। क्या एक अंग्रेज एक ऐसी पार्टी का स्थापना करेगा जो कि उसको खुद ही उसके देश से मारकर भगा देगी? ये बड़ा सवाल है, ये मन में, क्योंकि ये जनता तक पहुंचना चाहिए। आपको लगता है कि 1947 का बंटवारा, क्या वो बंटवारा एक डील के तहत था क्या? क्योंकि जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको बुला दिया गया, खड़गे कहते हैं कि बीजेपी का एक कुत्ता तक नहीं मरा, लेकिन तब खड़गे को नहीं ये पूछते कि नेहरू जी जेल में बंद थे तो उनको टेबल टेनिस खेलने को ले दिया जाता था, उनको ये सुविधाएं थी वहाँ पर। तो क्या आपको लगता है कि कुछ इसमें भी झोलझाल है क्या, कि आजादी को लेकर? नहीं नहीं सही है, वो उसमें भी झोलझाल है क्या कि गांधी जी को जहाँ जिस जेल में रखते थे वो भी बहुत आलिशान महल जैसा था, उनको टाइम पे खाना अच्छा बढ़िया सा मिल रहा था, और उनके जो आंदोलन करने का समय था वो भी उनके एम्बेसडर कार से जाते थे, ऐसा हमने सुना है। ये हमारा कोई वो नहीं है, हम उसको फैक्ट सच है या नहीं बता दे, लेकिन वो सही है कि जो सुख सुविधाएं उन लोगों को मिलती थी वो बाकी नहीं। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राज्यगुरु, शहीद, ये सब अपने जो योद्धा थे, मतलब वीर जवान जो शहीद हो गए देश के लिए, उसको तो भुला जा रहा है। गांधी जी की जो बकरी थी जो बांध के रखते थे वो अभी वो दोरी रस्सी संभाल के रखी गई है, तो ये नौजवान जो फांसी के फंदे पे चल गए थे तो उसका काम, ये सब ये बंदर कांड ये सब इसका मिटाते जा रहे हैं कांग्रेस सरकार, वो नहीं होना चाहिए था, जो इन लोगों ने किया है वो गलत। इतिहास कुछ गलत लिखा गया, गलत कुछ लिखा गया, गलत। 60 साल चले गए, भगत सिंह का घर आप देख लीजिए कैसे परिस्थिति में पड़ा। ये बात फैक्ट है कि वाकई में 60 साल पहले जो इतिहास लिखा गया वो इतिहास क्या था, ये वाकई मैंने इस बात को इसलिए उछाला है कि इस बात पर बात होनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि 1947 से पहले मैं क्या अपनी खुद कब्र खोदूंगा। सवाल यह है कि मैं ऐसे व्यक्ति की स्थापना करूंगा, ऐसे चीज की स्थापना करूंगा जो कल को मेरे लिए गले का मेरा गला काट दे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने की और उसी अंग्रेज को उसी कांग्रेस ने भगा दिया। अजीब विडंबना है और अजीब सवाल है। सही है, सही है, बात तो सही है।
ये सोच का विषय है। सही बात है, सही है, वो सोच का विषय है कि अभी जो भाजपा सरकार बनी है, पहले जो थी, और कांग्रेस का गठन इसलिए हुआ था कि भाई आजादी के बाद उसका विभाजन करना था, और ना वो नहीं हुआ, वो परिवारवाद फिर वो चलता गया, नेहरू गांधी तब से चलता आ रहा है। आज भी वो अपना अध्यक्ष सीट भी नहीं छोड़ रहे है, जो खड़गे को अभी दिया वो पता नहीं किस वजह से दिया, दबाव में आके या चाहे कुछ भी, वरना माँ के बाद बेटा, बेटे के बाद माँ, अपना अध्यक्षता वो खुद ही रखते थे, ना किसी को देते। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए लोग अपनी बेबाक राय रख रहे हैं और लोग खुश हैं इससे कि आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, और राम मंदिर किस तरह से देखिए समय का नजारा, मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा, डूबते हुए सूरज का नजारा, और इस समय अयोध्या किस तरह से उस तरफ आप देखिए बड़ा सा जय सियाराम का जिस तरह से वो लगे हुए हैं, चारों तरफ से यहाँ पर खुशहाली है और लोग खुश हैं, और जिस तरह से लोगों ने अपना अपना राय दी है बेबाक तरीके से, और कुछ इतिहास की बातें भी हैं जो उस इतिहास की बात को लेकर के हम यहाँ पे हमने किया, तो आप सभी से चाहेंगे आप सभी अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। बने रहें ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।